मोटर के बारे में तो अब तक यही मशहूर था कि यहाँ की पुलिस बहुत ही मुतहर्रिक है और बाकी इदारों में तो लोग बातें करते हैं, लेकिन मोटरवे पर तो अब तक बड़े अमन के साथ सफ़र होता था और ये नौबत तो नहीं आनी चाहिए थी। मैंने जो सज़ा की बात की इस्लामी सज़ाओं की, तो ये जनाब जफर अब्बास साहब ने जो एक बात की है उसमें बहुत अहम तरीन बात यह है कि ये तो पता चले ना कि जिम्मेदार कौन है, यानी जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो जिम्मेदार है, उसको तो लाया जाए ना कि किसकी ड्यूटी थी और किसकी कोताही की वजह से ये कुछ हुआ है। अगर ये भी नहीं होता कि मुजरिम को पकड़ के सजा दी जाए, तो पहली बात तो ये कि जिसकी जिम्मेदारी थी कि उसको तो हाईलाइट किया जाए ना, उसके साथ क्या सलूक होता है, ये तो सारी दुनिया हुकूमत को देखेगी कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान क्या करती है। जुर्म तो जो होना था वो हो गया, लेकिन इस जुर्म का जिम्मेदार कौन है? तो या मोटर लावारिस है, कोई भी कुछ भी कर सकता है उसमें, तो ये गवर्नमेंट को ऐलान करना चाहिए, बताना चाहिए भाई मोटरवे पे जो भी सफर करेगा वो अपनी जिम्मेदारी पर करेगा, गवर्नमेंट की कोई जिम्मेदारी नहीं है। और जैसे उन्होंने बड़ी अच्छी बात की कि इतने बज के इतने मिनट तक तो हम जिम्मेदार हैं, 12 बजे के बाद कोई खातून अगर सफर करेगी तो अपनी जिम्मेदारी पे करेगी। तो जब ऐसा नहीं है तो ये हुकूमत के लिए एक बहुत बड़ा सवाल या निशान है। जहाँ रियासत मदीना की बात है तो उसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पेशगोई की थी कि जब रियासत कायम होगी, हजरत खब्बाब बिन यारत रजी अल्लाह अनु को आपने बताया, तो एक औरत जेवर से आरास्ता होकर सना से हजरे मौत की तरफ जाएगी, आपने फरमाया उसे कोई खौफ नहीं होगा, यानी जेवर से आरास्ता होकर भी अगर वो सफर करेगी तो उसे अपनी इज्जत पे और अपने माल का कोई खौफ नहीं होगा। और रियासत मदीना में ये सब कुछ हुआ, तो मैं नहीं कहता कि रियासत मदीना एक दिन में बन जाती है, लेकिन कुछ काम ऐसे नजर तो आए ना कि उस रियासत मदीना की तरफ हमारा सफर शुरू हो चुका है। बनना ना बनना तो एक अल्लाह के हाथ में, बिल्कुल बिल्कुल, हमने उस तरफ सफर शुरू कर दिया है, मतलब उसने भी वही किया। पुलिस ने खातून की लोकेशन हासिल की, खातून ने एहतियात से काम लेते हुए गाड़ी को अंदर से लॉक कर लिया, फिर दो शैतान, दो दरिंदे वहां पहुंच गए, उनके हाथ में डंडे थे, उनके हाथ में पत्थर थे, वो बेचारी चीखती रही लेकिन अपनी गाड़ी को हिला नहीं सकती थी, उन्होंने गाड़ी का शीशा तोड़ दिया, खातून को बुरी तरह से तशद्दुद का निशाना बनाया, बच्चों को मारा पीटा। आप सोच सकते हैं क्या हालत होगी उस खातून की और उसके बच्चों की, सिर्फ सोचिए। एक दरिंदा बच्चे को उठाकर भागा जिस पर ममता की मारी, बचाने के लिए उसके पीछे भागी। कोई भी माँ होती, जितनी माएँ सुन रही हैं, आप भी ये करती ना, आप बच्चे को बचाने के लिए उसके पीछे भागती, उस माँ ने भी वही किया। और फिर क्या हुआ? वो हुआ जिसके बयान करने की मुझमें हिम्मत नहीं है,